मैं हूं आपके साथ राखी लंबा। पीएम मोदी के द्वेष में लाखों फैन हैं, उनकी हिंदूवादी छवि और उनकी आवाज के सभी कायल हैं। जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो सभी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। शायद इसीलिए पीएम मोदी को लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं और उनकी बातों का अनुसरण भी किया जाता है। आज हम भी आपको एक ऐसे ही फैन के बारे में बताने जा रहे हैं। लोग चाहे पीएम को कट्टर हिंदू कहें या कहें कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन पीएम की छवि इन सबसे धूमिल नहीं होती। एक ऐसा ही फैन है पीएम मोदी का, जो श्रीनगर से पैदल दिल्ली यात्रा कर रहा है ताकि वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सके। उसका कहना है कि वो प्रधानमंत्री की बोली और उनकी आवाज का कायल है। फहीम नाम के युवक का सपना है कि वो देश के प्रधानमंत्री से एक बार मुलाकात जरूर कर ले। जी हाँ, फहीम नाजिर शाह श्रीनगर से पैदल चलकर दिल्ली आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनकी करीब 815 किलोमीटर की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान जरूर जाएगा और उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करने वाले 28 साल के फहीम नाजिर शाह कहते हैं कि मैं पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्होंने कहा, एक बार जब प्रधानमंत्री रैली में भाषण दे रहे थे और अजान की आवाज सुनकर अचानक रुक गए, इससे जनता चकित रह गई। हमारे प्रधानमंत्री के उस इशारे ने मेरे दिल को छू लिया है और मैं उनका प्रशंसक बन गया हूँ। शाह मोदी से मिलने के लिए कितना बेकरार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इतनी लंबी दूर पैदल यात्रा तय करके आ रहा है। फहीम ने कहा कि मैं मोदी से मिलने के लिए पैदल दिल्ली आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं प्रधानमंत्री का ध्यान जरूर आकर्षित कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री से मिलना मेरा सपना है। फहीम ने इस दौरान कहा कि पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किए गए सभी कोशिशें विफल रही। शाह ने कहा कि वो पिछले 4 साल से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहा है और उनके भाषण और कामों ने उसका दिल छू लिया है। फिलहाल तो उन्हें इसी बात का इंतजार है कि आखिर कब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।